ये जो आज का सेलिब्रेशन है, हमने हर साल एक अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड हम जो करते हैं, जिसमें टेक्नीशियंस लोगों को सम्मानित किया जाता है, आर्टिस्टों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन टेक्नीशियन लोगों को एक हम ज़्यादा फेवर करते हैं। टेक्नीशियंस को अवार्ड के साथ साथ हम उन्हें 11,000 रुपये की राशि दे के सम्मानित करते हैं, जो कि वहाँ पर अवार्ड के साथ में देना हम उचित नहीं समझते हैं। हम उनको अलग से बुला के एक डिनर पार्टी करके उनको उस चीज़ें देते, तो आज वो फंक्शन था। साथ साथ में हमने एक अनाउंसमेंट और भी करनी थी कि जो दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन बेस्ट ऑफ 100 ईयर्स अवार्ड हम नवंबर में करने जा रहे हैं, उसकी घोषणा आज करनी थी, उसकी अनाउंसमेंट आज करनी थी, तो हमने ये दोनों काम आज एक साथ कर दिए, जो कि टेक्नीशियन लोगों को राशि के चेक दिए गए और साथ साथ सारे एसोसिएशन को इन्फॉर्मेशन होगी कि ये अवार्ड करने हम जा रहे हैं, इसमें हमें एसोसिएशन की आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। ये जैसे कि हर साल हमारे करीब 60 अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसमें 25 अवार्ड इनको जाते हैं, एसोसिएशन की तरफ से जाते हैं। हर एसोसिएशन एक नॉमिनेशन करके हमको भेजती है, एक अवार्ड ही, और उसके बाद जो कुछ है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड जो ईयर के जाते हैं, तो बाकी 30 अवार्ड हमारी जूरी डिसाइड करती है, और जूरी डिसाइड करने के बाद में जो डिजर्विंग लोग हों उनको अवार्ड से नवाजा जाता है। ओके जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों का ये गज़ल और गीतों का एक गुलदस्ता है, एक एल्बम है जो हमारे अशफाक खोपेकर साहब ने बनाया है, और इसमें काफ़ी बड़े बड़े शायर हैं, सुदर्शन फाकिर साहब हैं, हस्ती मुलहस्ती साहब हैं, मुमताज़ राशिद साहब हैं, नफीस सालम साहब हैं, काफ़ी बड़े बड़े शायर हैं, अनजान सागर साहब हैं। तो इसमें क्या है कि चीज़ तो अच्छी बन चुकी है, मगर पब्लिक तक कैसे पहुंचता है, कितना पहुंचता है, और उसके बाद जो है पब्लिक को कितना पसंद आता है, हमें पूरी उम्मीद है कि पब्लिक को भी पसंद आएगा। एक मेलोडी एल्बम है और हमने दोनों भाइयों ने गाया इसको, अली भाई ने और मैंने, और अली भाई आज राजस्थान गए, मौजूद नहीं है, तो इसलिए मुझे अकेले संभालना पड़ा, और हमारी ऑडियंस भी बड़ी प्यारी थी जो आज यहाँ मौजूद थी, सब ने बड़ा प्यार दिया, साथ दिया और बड़ा सराहा, तो इसकी हमें बड़ी खुशी है। उम्मीद करते हैं कि ये एल्बम आप सबको पसंद आ जाए, और इंशाल्लाह भगवान ने, मालिक ने, खुदा ने, ईश्वर ने, रब ने चाहा तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। सर, रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या हमें बात करें आजकल? हाँ, अभी हम वैसे तो आपको पता होगा कि अलीगनी के नाम से हमने इंडस्ट्री में काम बहुत किया है, हमने एज ए म्यूज़िक कंपोज़र तो जैसे पंकज उदास जी हैं, इनके भी 12 एल्बम किए हैं, सबसे ज़्यादा उनके साथ ही काम किया हम लोगों ने, और बाकी आशा जी, लता जी सबके साथ, जितने भी हमारे अलका जी, उदित भाई, कुमार सानू साहब, मैं किस किस का नाम लूँ, जितने भी सीनियर साहब हमारे हैं, वो सबके हमारे जो है सबके साथ काम करने का मौका मिला है ऊपर वाले की कृपा से। हाँ, तो बस आगे 2-3 फिल्म भी कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी ये सब चल रहा है, 2-3 फिल्मों पे काम चल रहा है, एल्बम पे भी चल रहा है, एक गज़ल के एल्बम और भी कर रहे हैं और किसी और के लिए, और ये चीज़ है। बात करें आज गज़ल का प्रोग्राम I'm very happy to be here, and since Sachin ji is here, he's associated with the 5G International, and I'm great. He's like, I know him since long, and he's been doing great work, so it's really wonderful to be here. गज़ल, आई थिंक हर एक इंसान को म्यूज़िक बहुत पसंद होता है, और गज़ल एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिल को हमेशा छूती है, सो डेफिनेटली आई हैव रियली एंजॉयड दिस इवनिंग एंड इट वाज वंडरफुल इवनिंग। आजकल अभी तो जैसे कि आप देख रहे हैं गणपति आने वाला है, तो काफ़ी सारा फेस्टिवल मोड चल रहा है, क्योंकि मेरे घर भी गणपति जी आते हैं, तो बस अभी उसी में बिजी हैं, सब उनकी तैयारी कर रहे हैं कि मतलब कोई बिल्कुल कोई भूल चूक ना हो और अच्छे से गणपति जी हमारे घर आ जाएं।